हाय जैस्मिन, यार मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? ओह हाय, सॉरी यार मैं थोड़ा लेट हो गई। एक मिनट, ये तुम्हारी कार है? क्या? क्या नहीं, ये कार तुम्हारी है। इतनी खटारा और लो क्लास। लेकिन तुम तो बोलते थे ना कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत रिच हो, तो ये है तुम्हारी क्लास? हाँ, इससे बेटर तो रोड पे चलने वाली रिक्शा होती है। अरे जस्ट रिलैक्स, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? हाँ, अब तक मैं तुम्हारी तो सुनती आ रही थी। तुम क्या कहते थे मुझसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना अमीर हूँ, मैं तो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता हूँ और पता नहीं क्या क्या। वो तो शुक्र है कि मैं आज तुमसे मिलने आ गई और मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। यार आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है और तुम ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही हो, क्यों? ओ अच्छा, तो मैं वियर्ड बिहेव कर रही हूँ? हाँ, अब तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम असलियत छुपाने की कोशिश करोगे ही। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझसे बातें छुपाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, ये कार मेरी नहीं है। देखो, मुझसे झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना मेरी बात पे? बस दो मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ये कार? हाँ ये कार, ये है मेरी गाड़ी। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन तुम सुनने को ही रेडी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में बोल गई। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम सब कुछ भूल जाओ, आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है और फर्स्ट मीटिंग हमेशा स्पेशल होती है, तो चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से की वजह से तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम्हारी सोच कैसी है ये मुझे पता चल गया, और ऐसी फेक लड़की के साथ ना मैं रिलेशन में तो दूर बात तक नहीं करना चाहता। और जब तुम्हें पता चला कि मैं अमीर हूँ तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और जब तुमने मुझे इस पुरानी गाड़ी के साथ देखा तो तुम एकदम से पलट गई। अरे नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करती थी, और अब जब हम मिले हैं तो मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बता दूँ तुम्हें, तुम्हें मुझसे नहीं सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, और ऐसी फेक लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। देखो प्लीज ऐसा मत कहो। अरे जो लड़की सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकती है वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़कर जा सकती है। तुम्हारे लिए प्यार मैटर नहीं करता है, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा जरूरी है, और तुम पैसों के लिए इतनी भी गिर सकती हो कि किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल जाओ। मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनूं मैं, तुम्हें जो सुनाना था वो तुम सुना चुकी हो और मैं भी बहुत सुन चुका हूँ। अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो डायरेक्ट मांग लेती, इतना बड़ा गेम खेलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है तुम जैसी कुछ गिनी चुनी लड़कियों की वजह से ना बाकी लड़कियाँ भी बदनाम होती हैं, शर्मानी चाहिए तुम्हें। देखो जो कुछ भी हुआ तुम सब कुछ भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं ना। नई शुरुआत? और मैं भूल जाऊं? मैं कुछ नहीं भूल सकता, तो बेटर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि ना तो तुम मेरा प्यार डिजर्व करती हो और ना ही मेरा टाइम और पैसा। गुड बाय बाय बाय।